मतलब हेलो गाइस, अपन लोग आ चुके हैं वापस। तो अपना वो सोरेल सीरीज था, तो वो आपको इसकी स्टोरी तो पिछले वीडियो में या फिर उससे पहले पता होगी। अपना सेकेंड या थर्ड एपिसोड अभी इस एपिसोड में मैं उतरने वाला हूँ वीडियो में। ये आपको वैसे वाला रिकॉर्डिंग में दिखवा दे, मैं पहले डालता था वो मैं भी हल्का सा भी अगर लैग कर दिया सामने अगर अच्छा हुआ तो ऐसे मेरे था कई बार। अब मैं स्टार्ट कर रही गेम वाला रिकॉर्डिंग, जो गेम वाला रिकॉर्डिंग होता है। तो मैं उतरूँगा ब्लू जोन में, इधर ब्लू शाइन में क्या नाम है यार, तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये अरे नहीं, एक मैच में बूया करता हूँ चार क्यू के साथ भाई, डबल बैरल उधर पूरे बनते भाई, क्या ही जहर गेम था। सारी स्टोरी आपको पता चलेगी अभी आना। पता है मुझे, मैं उतरूँगा कचरे इसी बात पे, मुझे लॉन्च पैड होता है ना उसी से जो, क्योंकि मेरे पास फैलको नहीं था। मैं बिस्टल लेके आया था क्योंकि मुझे अपने लेंथ क्लिक करना है बहुत उसकी। तो अभी देखना, एक बंदा मतलब इधर ही उतर रहा था, मतलब वो मतलब मेरे डुअल शेप के घर है ना, मतलब इधर ही उतर रहा था ये बंदा। पता नहीं इसका क्या सीन था, ये वहाँ पर कैसे उतर गया, लेकिन कोई तो बंदा था, कोई बंदा था, मुझे कंफर्म नहीं है कि यही बंदा था। तो मैं देख रहा था और पर कोई बंदा तो नहीं उतरा था। मेरे पास स्कैनर भी था पर वो ये गेम वाला रिकॉर्डिंग है उसमें दिख नहीं रहा। तो मैं जाता हूँ इधर, इसको क्या नाम है, हाँ ये देखो ये बंदा इधर उतरा था। अब ये वो बंदा है या फिर ये वो बंदा है। और पता है इस बंदे को मैं M4A1 से उड़ाता हूँ। उसके बाद भाई मुझे एक बंदी दिख जाती है, मतलब इधर ही रहती है, मतलब पता नहीं लॉन्च पैड से आई है कहाँ से दिख जाती है। लूट करके M10 से मुझे धरने आती है, हो ना तो आप पैदल आना, मतलब पैदल मत आना ऐसे, लॉन्च पैड से आ जाओ या कैसे से भी आ जाओ। लेकिन बंदा पहले आ चुका तो नहीं आना। मैं भाई कई बंदे भाई बंदे को मार के लॉन देखा था, लेकिन मैं इसकी रिस्पेक्ट कर रहा था भाई, हर बंदे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन भाई लॉल वगैरह नहीं दिखाना चाहिए, अगर वो दिखाए तो वो अलग बात है। अभी देखना मुझे फुटमार्क आया और मुझे दिखे भी थे हल्के से, आपको दिखी थी या नहीं। अब देखना मैं उसको हल्का सा डैमेज दूंगा तो फिर वो लड़की हील करके ऊपर आएगी M10 से मुझे धरने, लेकिन मैं उसे धर दूंगा। भाई मेरी किस्मत ही अच्छी थी कि उसके M10 कुछ गोली भाई मेरे को टच नहीं की भाई साहब, वरना तो मैं जाता और शायद उसको M10 चलाने भी नहीं आती होगी। भाई मेरी किस्मत अच्छी थी पता है इधर, भाई क्या कर सकते। चलो अभी मैंने किया ही नहीं, इसे धर दिया भाई साहब। मैंने भाई इधर उधर मेरी गोली जा रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं गया तो भाई साहब, भाई किस्मत की वजह से मैं बच गया। अब मैं लूट वूट करता हूँ, बाकी के मैं बंदे मारता हूँ भाई, बाकी के मैं बंदे मारता हूँ इधर। एक बंदा तो हाँ लास्ट ड्रोन में ही मैं बंदे मारता हूँ, बाकी के दो बंदे तब तक मैं लूट करता हूँ। पता है ये कत्ल रिसीवर पे इतनी भाई घमासान फाइट होती है, पर मैं नहीं कर पाता क्योंकि मैं टावर पे रहता हूँ उस समय, मैं टावर पे कैंप कर रहा होता हूँ। कैंप क्या सर भाई, क्योंकि मुझे आना था टॉप फाइव में। तो उसके बाद जब मैं टॉप फाइव में आ जाता हूँ, मेरा तो वैसे मेन था बुइया करना, फिर मतलब मैं छोटे छोटे गोल रख रहा था कि टॉप 10 टॉप 5 ऐसा करके उसके बाद बुइया। अब भाई साहब एक बंदे को तो भाई वो पता है वो बंदा जो लास्ट जोन में पहला बंदा मिलता है मुझे लास्ट जोन का, भाई साहब इतने ड्रामे करता है भाई, पता है मरता ही नहीं है। M7 थी उसके पास और मेरे पास कट्टा थी भाई साहब। और पता है मैं तो सोच रहा था अब मैं गया लेकिन मुझे ऐसा पता है ऐसा नहीं हुआ। मैंने उसे M4A1 से हेड दे दिया, उसने मेडिकेट नहीं मारा भाई, पता नहीं क्या ही कर सकते हैं भाई। अब उसने पता है मेडिकेट नहीं मारा, वो भाई एम लेने आ गया। और फिर मैंने दो गोली मारा है शॉटगन का डबल बैरल का, वो बंदा ख़त्म। वो बंदा शायद मेडिकेट मार चुका था हाँ। उसके बाद भाई डबल बैरल यार क्या ही कह सकते हैं, क्या ही चल रही है आजकल।
और मैं स्नाइपर इसने लिए ले रहा था क्योंकि भाई ना स्नाइपर तो मैं डेली डेली चलाता हूँ और मुझे स्नाइपर तो मैं अच्छा चलाता हूँ, मुझे बाकी गन्स में भी अच्छा बनना है, तो इसलिए सोलो में मैं स्नाइपर नहीं चलाता भाई। मैं इससे थोड़े मतलब तीन ग्लू वॉल क्या ही कह सकते हैं यार, ये तीन टोकन को जो तीन ग्लू वॉल देता है वो एक बार और एक नेड और एक बैक पैक खरीद के मैं आ रहा था। ये ब्लू जोन में पिछली बार पिछला मैच जो था उसमें मैंने बस एक ही किल किया था और आप बोर भी होंगे उसमें, मैं जोन से मर गया था वो अलग बात है भाई। पानी में जोन भी बनता है क्या भाई? पानी में जोन बना था वो क्या कहते हैं केप टाउन या क्या है वो सेंटोसा, नहीं केप टाउन, हाँ केप टाउन नहीं भाई सेंटोसा या कुछ, हाँ कुछ ऐसा ही था वो प्ले, वो प्लेस मेरे मतलब मेरे मुंह में नहीं आ रहा, मैं क्या कहूँ यार, क्या ही कर सकते हैं। तो उसी के बीच में जो पानी में कभी कभी जोन बनता है ना उधर ही जोन बना था, सोचा है मेरे पास बस दो मिनट थे, एक मिनट से लास्ट वाले बंदे को 67 का टाइम हो जाया और फिर भाई वो मतलब एकदम जोन टू जोन नहीं चल रहा था, मैं पहली जोन में पहुंच गया, हुकांग लिया और कर, और वो तो आपका एंड में देखने को मिलेगा। तो चलो एंड में करे क्या, नहीं आपको ये भी देखना है कि मैं सर्वाइव कैसे करता हूँ भाई साहब। भाई मैच तो बहुत ओपी होता है पता है, मैं आपको बता चुका हूँ, चार किल के साथ बूझा ले लेता हूँ, तो भाई मज़ा आया है। पता है भाई M1887 भाई लोग कह रहे हैं अपडेट के बाद एकदम टट्टी चल रही है वगैरह वगैरह, टट्टी तो नहीं बस उसका रेंज माइनस हो गया, रेंज माइनस हो गई वो पता है, पर फिर भी अभी मैं सोच रहा हूँ कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ। ये देखो जोन बन रहा हुआ, मैं सोचता हूँ हैंगर जाऊँ लेकिन नहीं, मैं हैंगर के थोड़ा आगे चला जाता हूँ, वो जो ऑब्जर्वेटर के बाद एक टावर उधर थोड़ा देर कैंप करते हैं बस थोड़ी देर, उसके बाद मैं इधर यार हैंगर वगैरह पे चला जाता हूँ कैंप करने, और लास्ट में इसी जगह पे फाइट होती है पता है इसी जगह पे, पर मैं उस जगह पे अभी से नहीं बैठा हुआ होता भाई। पता है इस फाइट में मुझे मेरा मतलब सैंडविच टाइप हो गया था, पर वो बंदे आपस में फिरने लगे, मैं अलग अलग मतलब मतलब मैं यार क्या कैसे समझाऊँ यार आपको, मतलब वो बंदे आपस में फिरने लगे, वरना मेरा तो एक बार के लिए सैंडविच ही हो गया था, रियली हो गया था वो, तो आपको मैच में ही पता चल जाएगा लिटरली मेरा सैंडविच हो गया था मतलब दो बंदे। तो चलो यार ये मैच पे फोकस करते हैं, तो ठीक है तो क्या कर क्या ही बोल सकते हैं, देखना है तो आप बोर हो रहे होंगे इसलिए मैं सीधा लेके चलता हूँ लास्ट में जो फाइट हुई थी उसकी तरफ। हाँ तो चलो मैं अपना टाइम वेस्ट वाला टाइम तो बच गया थोड़ा बहुत, इसलिए मैंने आपका टाइम वेस्ट ज़रा सा भी, अब देखना मैं उस टावर पे थोड़ी देर कैंप करूँगा और उसके बाद भाई फाइट होगी भाई घमासानी। इधर से पता है पूरा कतुली सीमा पे मुझे बहुत सारी ब्लू वॉल्स लगी है, मैं रोल के लिए रोटेशन भी लेता हूँ भाई, अब क्या कर सकते हैं। तो आपका अभी भी टाइम वेस्ट हो रहा है तो चलो जिस वक्त, अच्छा चलो जिस वक्त फाइट होती है उसी वक्त करते हैं, नहीं 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 आपको रोटेशन में कैसे ले रहा हूँ वो भी तो आपको दिखाना है, तो वीडियो को करते हैं थोड़ा ये फास्ट। ये गेम वाला जो रिकॉर्डिंग है ना भाई अपडेट के बाद क्या ही ओपी हो चुका है, जहाँ से मैं टावर पे उतरूँगा तो वहाँ से ये वीडियो कर लूँगा, तो चलिए टावर पे वाले पे मिलते हैं। तो चलिए अभी मैं रोटेशन लेना स्टार्ट कर चुका हूँ, तो अभी वीडियो को कर दें थोड़ा स्लो देखता हूँ क्या ही अली कपूर दृष्टि बढ़ता है देखना भाई साहब बहुत ब्लू वॉल लग रहा है। अभी मैं देखता हूँ यहाँ पे कोई बंदा तो नहीं है, नहीं रहता, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। पर भाई पता है मेरी वीडियो बहुत लंबी होने लगी है, पहले मैं सोच रहा था कि ये क्या कहते हैं
एक एपिसोड में 3 मैच कर लिए, वो फ्यूचर में सोचेंगे, पर आजकल मेरी वीडियो बहुत लंबी होने लगी तो इसलिए वो अभी करते नहीं है। तो अभी देखना, वो बंदा अभी मुझे लगा था टावर पे जाएगा, मतलब वो ऐसा हो भी चुका था, मुझे तो दिख रहा था। क्या ही कर सकते हैं, वो बंदा टावर पे जाएगा अभी। यही बंदा भाई साहब, भाई मैं क्या कहूँ यार, ये बंदा भाई। मैंने वीडियो को इसलिए पॉज किया था क्योंकि ये क्या कहते हैं यार, ये कॉल आ गया था। तो चलो भाई, ये बंदा को अभी आपने देखो, मैं नेट करता हूँ, वो नेट का होता कि नहीं है कोशिश, पर यार मैं क्या ही कर सकता हूँ यार। बंदा है भाई उधर से आता है, पता है मुझे उधर से माफी मांग दिया, मेरा इतना दिमाग खा लेता है यार। अभी ये बंदा यार बॉल डाल देना इसने, भाई मेरा बहुत दिमाग खा लेता है यार ये बंदा। अरे क्या ही कर सकते हैं, अबे मैं जाता हूँ इधर हुकोंग बन के, और देखना मुझे डैमेज देता है भाई। इधर से भी बंदे आ रहे हैं, इधर से दो बंदों को फाइट हो रहा है, तो मैं सोचता हूँ कि इधर से नहीं करते क्योंकि वो बंदे भाई मुझे भी मार सकते हैं। मतलब मैं भाई दो बंदों की फाइट में मैं तो थर्ड पार्टी करूँगा, पर मेरे भी मरने के चांसेस बहुत है। इसको शॉट पता है मिस हो गया, तो इधर से भी आ रहे थे बंदे। मुझे तो पता लग रहा था कि इधर से अब तो मेरा गेम ख़त्म है, पर ऐसा नहीं हुआ, वो बंदे को मार देता है वो लास्ट वाला बंदा, कोई और बंदा। मैं इधर से मार लेता हूँ इसको, पर ये देखो अभी मैंने मैक्स 7 डैमेज दिया ना। अभी देखना, मुझे लग रहा था इधर से आएगा वो बंदा, पर ये बंदा उधर उससे फाइट कर रहा होता है। अभी मैंने 2 दिया, तो अभी मैं इस पर रश करूँगा, रश नहीं करूँगा। अभी देखना ये बंदा मेरा एम ले भाई, मैंने सोचा यार तू भाई अभी डैमेजेड था तो तू मेरा एम लेने के लिए क्यों आ रहा था। अब मैंने मार, मैं देखा एक बंदा, वो बंदा पत्थर पे एकदम मस्त लूट रहा होता है। तो भाई मैं उस बंदे को पता है वो नेड करता है, मुझे लगा वहाँ पे कोई बंदा नहीं, भाई वो लास्ट में इतना नेड फेंकता है कूद कूद के, भाई क्या ही कर सकते हैं। मेरे पास रहता बस 2 नेड, इसलिए मैं वो मैं इधर लैंड माइन लगा देता हूँ क्योंकि लैंड माइन का कोई काम रहता नहीं है। तो लैंड माइन अगर वो बंदा इधर आएगा मेरे पीछे से होके, तो वो लैंड माइन फटेगा और वो बंदा मर भी सकता है। अब देखना, वो ग्लू वॉल के पीछे था वो बंदा, मैं सोचता हूँ इस नेट का कोई फ़ायदा होगा, पर इस नेट का कोई फ़ायदा नहीं होता। अगले नेट का मतलब 67 या समथिंग कुछ ऐसे का डैमेज आता है भाई, क्या ही कर सकते हैं वैसे। तो अभी देखना 67 का डैमेज आया, तो अभी देखना ये बंदा अभी इतना नेड करने लगेगा। तो मैंने गलती वीडियो से पाउज होता है, गलती से मैं ये फ्लैश नेड इतना करता हूँ कि बच्चा हुआ पड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूँ। देखो ये बंदा इतना नेड करने लगता है भाई, तो मैं मेडी मार लेता हूँ इधर। तो अभी देखना, वैसे अभी तो गेम ख़त्म होने वाला है, तो मैं क्या कहता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, इतने दिन हो गए चैनल बनाए, वीडियो थोड़ा देर वीडियो हो रहा था, पर यार तुम लोग सपोर्ट ही नहीं दिखा रहे हो यार, सब्सक्राइबर ही नहीं आ रहा, व्यूज़ ही नहीं आ रहा, व्यूज़ वगैरह क्या, मुझे तो ई स्पोर्ट खेलना है, पर फिर भी तुम सपोर्ट क्यों करो यार। तो चलो अभी देखना ये बंदा जोर से, मैं इसको ऐसे करके मार देता हूँ। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ यार थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।